मेरा ऑडिशन जिन्होंने लिया था वो राणा भगवान दास साहब थे। अच्छा, उसके बाद कहते हैं इधर क्यों आना चाहते यार, कह रहे हैं इधर जो फेम है इधर फेम नहीं मिलने वाली। फिर मुझे अंदाजा सही कह रहे हैं। जितना बोलते हो ना आपका इंटरव्यू लेने वाला कहता तू पास हो तो दही लेने जाते हैं वहां बहस करे। अगर मलाई नहीं डालोगे तो बच्चे कैसे खाएंगे? बच्चे खाएंगे तो वो उन्हें गनूदगी होगी। मलाई ना डालो, चिकनाई होती है। कूंडा बड़ा नहीं छोटा रखो, आधा किलो लैदा लैदा करके दो। क्या इतना बुरा हूं मैं मां। अच्छा ये मैं बताऊं, सोशल मीडिया पे ना ये बिल्कुल बेकार बात है जी। मेरे 10 लाख फॉलोअर है, 15 लाख फॉलोअर है, इसलिए कि वो एक्टिव है कि नहीं है ये भी तो देखना है ना। अब ये ऑडियंस बैठी है, इनमें से हंस रही कितनी है? फॉलोअर जितने मर्जी हो मार के 2-3 ही है। बात बताए मुझे, आपको तमाम मसाइल पता है जो कि आपकी पर्सनैलिटी के साथ है, तो आप इनको फिक्स क्यों नहीं कर रहे? क्यों फिक्स करें जब बिकता यही है तो भाई क्यों उसे चेंज करें? मतलब कि आप बिरयानी हैं मसाले वाले। It was at this moment that he knew he fucked up. आप मसाले वाली बिरयानी हैं तो लोगों ने बोटियां निकाली। कर सकता बनता है बड़ा, मैंने आपको बोला कर सकता। हसदे चेहरिया का मतलब यह नहीं होंगे कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होंगी, मतलब यह होंगे कि इन्होंने तकलीफा नाल डील करना होंगे। ट्रिमर लाओ बॉस, मैंने बोला क्या है? पब्लिक फिगर का तो ये बर्दाश्त करना ही पड़ता है।